विपक्षी दल की, क्योंकि उनको भी अगर यहाँ पर मौका मिलेगा तो गोल कर सकते हैं और निश्चित रूप से रेफरी से दूर रहे, रेफरी से दूर रहे, रेफरी से दूर रहे, असिस्टेंट रेफरी से निवेदन है, रेफरी से दूर रहे। पैनल और निश्चित रूप से जहां तक देखा जाए सूट आउट द पेनल्टी पॉइंट, सूट आउट द पेनल्टी पॉइंट। और जॉन जी मैं बता दूं, रेफरी की निर्णय बदलेगी नहीं, रेफरी का निर्णय बदलेगी नहीं, हैंडबॉल मतलब हैंडबॉल, इसलिए आप हैंडबॉल आप कुछ भी कर लीजिए, रेफरी एक बार डिसीजन दे चुके हैं, रेफरी एक बार डिसीजन दे चुकी है, रेफरी का निर्णय अंतिम निर्णय। शूट आउट द पेनल्टी पॉइंट, इस तरीके से देखा जाए यहाँ पर बहुत बड़ा किरदार गोलकीपर का भी था, जो कि अटैकिंग टीम के गोलकीपर का भी था, वो आ चुके थे और उन्होंने अच्छा कवर अप दिया, गेंद बनाने नहीं दिया, शॉट लेना चाहते थे, हेडबॉल हुई, नतीजतन शूट आउट द पेनल्टी पॉइंट। अगर स्कोर करते हैं तो निश्चित रूप से एक एक की स्थिति पर, वो भी एडेड टाइम में मिला है, 2 मिनट का जो एडेड टाइम था उसी एडेड टाइम में मिला है, इसीलिए जॉन जी कहा जाता है ये फुटबॉल का खेल आम जिंदगी से बहुत मिलता जुलता है, किसी भी समय ये मैच की करवट बदल सकती है और इस समय ऐसे ही सबू भाई जी आओ पसी जाओ ना ना उन्हें धक्के दियो। तो चलिए ये शॉट को लेने के लिए, पेनल्टी लेने के लिए साधु साथी अंतिम विशेष समय समाप्ति की घोषणा इनसाइड ऑफ द गोल पोस्ट पर लगने के बाद नेट के अंदर चली गई है और इतना क्लोज उन्होंने किया 100% किसी भी गोलकीपर के पास इस किक का कोई जवाब नहीं होता, बेहतरीन किक, शानदार। रेफरी का साथ ना उलझे, रेफरी का साथ आप अगर उलझिएगा तो कॉमेडी का वॉलंटियर अंदर जाएगा, कॉमेडी का वॉलंटियर आप लोग अंदर जाइए, आप रेफरी का साथ उलझिए मत, आप अगर रेफरी का साथ उलझिएगा तो निश्चित रूप से कॉमेडी का वॉलंटियर जाने के लिए बाध्य होगा मैदान के अंदर। जब डिसीजन फाइनल था रेफरी का साथ ना उलझे, आप अगर रेफरी का साथ उलझिएगा तो कॉमेडी का वॉलंटियर अगर मैदान के बीचों बीच जाते हैं तो निश्चित रूप से निर्णय बदल सकते हैं। बोला मतलब इतना दिया हुआ होगा।